सामने आप लोगों को एक ट्रक आता नजर आ रहा होगा, अच्छी खासी स्पीड से है जी। अल्लाह माफ करे इनसे, बचाए अल्लाह। ये चेक करें जी, अल्लाह खैर करे जी, रोड जितनी अच्छी बन गई है उतनी ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज हाजिर हूँ जी नई अपडेट के साथ, रोड की जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। बिल्कुल हमारे गाँव में जी रोड का कारपेट का काम जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त जी मशीनरी भी इधर ही खड़ी है। तो मेरा रहा था कि जी दिन के टाइम जो है कारपेट का काम शुरू करेंगे तो वीडियो बना लूँगा, लेकिन ये कारपेट का काम जी सुबह पहले टाइम यानी 9-10 बजे के करीब जो है कंप्लीट कर दिए गए। खैर मैंने कहा जी वीडियो बनाते हैं आप लोगों को, लेटेस्ट जो काम हो रहा है उससे आगाह करते। और ये जी मशीनरी अभी इधर खड़ी कर दी गई है, अभी उम्मीद है कि कल जो है दोबारा इस पर काम शुरू होगा। तो ये जी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक पीछे वो बुरश वगैरह लगे हुए हैं ट्रैक्टर के साथ, ये दूसरी साइड पे सफाई कर रहे हैं। इस साइड पे जी अभी लुक डाल दी गई है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ हमारे गाँव में जी, ये मेरे ख्याल से तो इन्होंने दिन को किसी टाइम डाले थे लेकिन सुबह डाल चुके हैं जी। तो ये अभी आप लोगों को दिखाते जी जहाँ से ये शुरू हो रहा है और जहाँ तक ये कंप्लीट की गई है। तो अभी टाइम तकरीबन जी एक और है और इस टाइम तक जी लुक जो आज इन्होंने डाली थी वो डाल चुके हैं। अब ये कल के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल इन्होंने यहाँ से डाली है दूसरी साइड पे जी। ये आप लोगों को ट्रैक्टर नज़र आ रहा होगा, तो ये सफाई कर रहा है जी इस टाइम, दूसरी साइड पे सफाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर एक बार लुक का स्प्रे वगैरह करेंगे और फिर जाके जी कल इंशाल्लाह इस साइड पर भी जो है ये लुक वगैरह जो है डाल देंगे। ये जी ट्रैक्टर यहाँ से आप लोगों को आता नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ से आगे तक जी वहाँ से रोड शुरू की गई है। मैं वहाँ से भी जाके आप लोगों को दिखाता हूँ और वापसी पे आते हुए ना वीडियो बनाता हूँ कि कितनी जो है आज रोड बनाई गई है। तो ये जी लुक वाली मशीन जो है यहाँ पे खड़ी है, ये पुल के पास जी यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये अभी रोड का काम जी यहाँ से शुरू हुआ है इस तरफ, तो ये हमारे गाँव यहाँ से शुरू हो रहा है जी, हमारे गाँव में शुरू किया गया इसके ऊपर। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं जी कंप्लीट कितना हुआ है और कहां पर लुक डाली गई है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया जी, मैं वैसे फ्री था, कुछ कर नहीं रहा था, मैं कुछ खास कर नहीं रहा था आज तो, लेकिन मेरे ख्याल साथ था कि तकरीबन दिन के किस टाइम डालेंगे जी लुक, लेकिन अभी मैं आया हूँ जी तो तकरीबन लुक का काम कम्प्लीट हो गया। खैर जी फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे। तो ये जी रोड माशाल्लाह जी बड़ा बेहतरीन काम हो गया। दूसरी साइड पे मैंने दिखाया जी, दूसरी साइड पे अभी सफाई कर रहे हैं जी, शाम को इसको भी रेडी कर देंगे जी कल के लिए। कल इंशाल्लाह दूसरी साइड पे भी लुक का काम करेंगे आगे जो है, ये चेक करें जी। और सामने आप लोगों को एक ट्रक आता नज़र आ रहा होगा, अच्छी खासी स्पीड से है जी, अल्लाह माफ़ करे इनसे, बचाए अल्लाह। ये चेक करें जी, अल्लाह खैर करे जी, रोड जितनी अच्छी बन गई है उतनी ही है जी, उतनी जितनी रोड अच्छी बन गई उतनी खतरनाक भी है जी। अभी गाड़ियां बाइक वगैरह बड़ी स्पीड से चलते हैं जी, बिल्कुल जी हमारे गांव में जी। मैं एक दो क्लिप जो है वो डालूंगा आगे, जो लुक डाल दी गई है जी। ये चक्कर है बिल्कुल हमारे गांव के बाग के पास जी, इस तरफ बाग के पास जी जो है ये मशीनरी खड़ी है। मैं अभी आप लोगों को डिटेल से दिखाता हूँ जी, ध्यान दे, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा जी सामने सफाई कर रहे हैं। तो इस तरफ जी अभी यहाँ तक डाली गई है लुक, तो ये मशीनरी खड़ी है आगे आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ तक पीछे जहाँ से शुरू हुई है मैंने वहाँ तक दिखाया और अभी यहाँ तक जी। और ये जी मशीनरी खड़ी है, अभी शायद आज काम करेंगे या आज के लिए कंप्लीट है, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे गांव में है जी तो वापस आके देख लूँगा दोबारा। ये इस तरफ मशीनरी खड़ी नज़र आ रही होगी आपको, ये जी माशाल्लाह से बेहतरीन काम हुआ है जी आज, और शायद कल यहाँ से शुरू करेंगे इसलिए यहाँ पे खड़ी कर दी गई मशीनरी बिल्कुल हमारे गांव के सेंटर में जी। तो ये जी सिर्फ मशीनरी खड़ी है अभी, तो आज काम नहीं हो रहा जी, आज जुमा है इसलिए काम नहीं हो रहा जी। मैंने पता किया है जुमे के दिन काम नहीं करते, जुमे दिन मजदूर वगैरह छुट्टी करते हैं जी, इसलिए काम नहीं होता। तो आज भी मशीनरी जो है हमारे गाँव में खड़ी है, तो यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है जी कल काम शुरू करेंगे दोबारा। ये देखें मशीनरी सारी जो है यहाँ पर खड़ी है,
और ये जी इधर 3-4 किस्म की मशीनें यूज़ होती हैं। एक ये रोलर होता है, ये आम रोलर की तरह नहीं है जो पहले रोड पे चल रहे होते हैं, ये लुक के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट रोलर जो इस्तेमाल करते हैं। और पीछे एक दो जो हैं लुक के लिए मशीनें यूज़ होती हैं, ये येलो कलर की जो खड़ी हैं, और जो फर्स्ट पे बिल्कुल जी ग्रीन कलर की खड़ी है ना, ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये वाली, ये बिल्कुल लुक डालने के लिए इस्तेमाल होती है। डंपर से लुक निकालते हैं, इसमें डालते हैं, और ये कारपेट जो है रोड बनाने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है जी। बिल्कुल जी हमारे गांव में या भी ये बिल्कुल बाग के पास जो है ये सारी मशीनरी खड़ी है। यहाँ तक रोड कंप्लीट हुई है, आगे शायद अभी उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह दूसरी साइड पे करेंगे। इसके बाद जी बिल्कुल बैंक चौक वाली साइड पे करेंगे, ये सेंटर में जो थोड़ा गैप आता है हमारे गाँव बैंक चौक में वो छोड़ देंगे फिल वक्त। देखिए जी बिल्कुल हमारे गाँव में, और सामने वाली साइड पर डेयरी फार्म वगैरह और हमारा ग्राउंड उसी साइड पर, और बाकी हमारा गाँव इस साइड पर जी। और अभी जी बिल्कुल रोड की एक साइड का काम कम्प्लीट हो गया, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना काम हुआ है, और बड़ा बेहतरीन काम हो गया जी। अभी उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह जो है बाकी काम जो है वो दोबारा शुरू होगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि जुम्मे की वजह से आज मज़दूर वगैरह नहीं है, तो जुम्मे की वजह से काम आज रुका हुआ है जी, बाकी कोई इतनी मसले परेशानी वाली बात नहीं है, कल इंशाल्लाह जी दोबारा काम शुरू होगा। और बाकी मैंने बताया था कि दूसरी साइड पर सफाई वगैरह का काम भी जी कम्प्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि कल यानी हफ्ते वाले दिन जो है ये बाकी रोड का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और मशीनरी के और मशीनरी इनकी जी रोड पे खड़ी होती है, उसकी वजह से जी एक आदमी एक दो आदमी इनके ना जी रात को भी बिल्कुल यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मशीन के ऊपर बिस्तरे पड़े नज़र आ रहे होंगे ये जी, क्योंकि हैवी मशीनरी है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो उस मशीनरी सारी ख़राब हो जाती है। ये ठेकेदार वगैरह की अपनी ज़ाती मशीनरी नहीं होती, ये ठेके वगैरह पर लेके आते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से। ये जी इस तरफ मशीनरी सारी खड़ी है जी, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो आज ही सिर्फ जुम्मे की वजह से काम नहीं हो रहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है जी, ये सिर्फ जुम्मे की वजह से काम आज नहीं हो रहा, बाकी जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट होगा जी। बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है जी, सिर्फ आज जुम्मे की वजह से ब्रेक है जी, जुम्मे को मजदूर छुट्टी करते हैं इसलिए आज कारपेट का काम नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह कल ही होगा, जो आप लोगों को कल भी अपडेट करेंगे इसे। तो ये जी मशीनरी खड़ी है, अभी आप लोगों को करीब जाके जो लुक वाली मशीन है कारपेट मैन डालने वाली जो मशीन है ना, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये है जी मैन कारपेट डालने वाली मशीन, डैम्पर में जी कारपेट वगैरह का जो लुक वगैरह बेज वगैरह लेके आते हैं वो आके डालते हैं जी इस वाली मशीन में, ये सामने जो नज़र आ रही है ना आप ग्रीन कलर की, तो इसमें डालते हैं ये, फिर आगे कारपेट का काम करती है। बाकी मशीनें जो हैं ये येलो और आगे वाली, ये इसके ऊपर रोलर वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं जी। बड़ी हैवी मशीनरी है, मुझे इसका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, तो किसी से पता करके आप लोगों को अपडेट करेंगे। उधर से डालते जी और इधर से ये कारपेट डालना शुरू कर देती है ये। ये अंदर बेल्ट वगैरह लगे हुए सारे, ये सारा काम करते हैं जी। तो खैर जी मैं ये बात कर रहा था, इस तरफ सिर्फ यहाँ तक जो है रोड का काम कंप्लीट होगा, बाकी जो है वो आगे आप लोगों को दरख्त नज़र आ रहा होगा या मैंने किसी वीडियो में दिखाया होगा, आगे जो स्कूल है उसके आगे से काम शुरू होगा बैंक चौक तक शायद, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बीच में पुली आ रही है, ये शायद यहाँ से थोड़ा सा पीस बनता है, ये भी डाल दें। तो ये जी तकरीबन कंप्लीट हो गया जी, ये मैंने बताया ना अगर जैसा भी हुआ जी ये बीच वाला पीस डालना हुआ या आगे वाला काम करना हुआ तो वो आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, अगर इंशाल्लाह जैसे भी हुआ तो आप लोगों को बताएँगे इंशाल्लाह। तो खैर जी ये थी अपडेट, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को कल जो है बाकी जो काम होगा उससे आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो रोड की अपडेट वगैरह की वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। तो खैर अभी आगे से भी कोशिश करूंगा, आगे जो चौक हालसा वाली साइड है, सरसा पशा वाली साइड है, उस साइड पर भी कोई वीडियो वगैरह बना लूँ। तो खैर ये थी अपडेट, और बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट रखूँगा इस वीडियो के साथ। तो आज ही सिर्फ जुम्मे की वजह से काम नहीं हो रहा, बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा काम करूँगा तो दोबारा वीडियो बनाऊंगा। खैर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।